मैं सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटर बोल रहा हूँ। जैसा देश की सभी यूनियन ने फैसला किया कि आज 26 जनवरी के उपलक्ष में जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसकी रिहर्सल परेड जो है आज 7 को की जाएगी। तो आप देख सकते हैं पीछे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के हजारों ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हैं जो KMP के ऊपर आगे बढ़ेंगे और ट्रैक्टर मार्च जो इधर के अपना सिंघू बॉर्डर से टिकरी की ओर और टिकरी से सिंघू बॉर्डर की ओर जाएगा, इस तरह से गाजीपुर से पलवल की ओर ये ट्रैक्टर मार्च आज होगा। और सरकार के जो तोमर जी के बयान आए हैं कि बातचीत जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है और अगली कुछ मीटिंगों में निर्णय की गंजाइश है, तो वो तथ्यों से तोड़ मड़ोड़ के बात कर रहे हैं, हकीकत ये नहीं है। सरकार बातचीत के लिए ना तो सीरियस है ना सनसीरियस है, ये एक टेलर होगा। समय रहते सरकार को इन मुद्दों को हल करना चाहिए, पर जो सरकार की नीयत और नीति नज़र आ रही है उससे आगे वाली मीटिंग से भी कुछ निकलने का संभावना कम नज़र आ रही है। सो लगातार हमारे इस आंदोलन में परिवार के एक दो जो आदमी हैं हमसे बिछड़ रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जूं रेंगती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार इखलाकी तौर पर नैतिक तौर पर हार चुकी है मीटिंग में, पर वह अभी कारपोरेट घरानों के पक्ष में लगातार उसके हक में खड़ी है। इसी तरह से जिस तरह से पंजाब से आज हजारों ट्रैक्टर इस परेड मार्च की रिहर्सल में आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली के आसपास इलाकों से आए हैं, और 26 जनवरी को हम फिर पंजाब को आह्वान करते हैं कि 12 तारीख को अमृतसर से जो बड़ा जत्था 26 की परेड के में पहुंचेगा और 20 फरवरी को ये तरन तारण का बड़ा जत्था 26 की तैयारी के लिए यहां पहुंचेगा। सो देश और पंजाब वासियों को अपील है वो 20 के बाद दिल्ली पहुंचे और 26 की जो गणराज परेड होगी उसमें शामिल हो, और आज की परेड के लिए ट्रैक्टर पूरी तरह तैयार खड़े हैं, अब यह जत्था आगे रवाना होगा।